सो हे गाइस, जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की न्यू वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देखा है, गाइस ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और आज आपका भाई बिल्कुल इजी मेथड से इस रील वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो, बट अगर अभी तक आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। सबसे पहले इस वीडियो की एडिटिंग के लिए आपको अपने फोन के अंदर एक VPN ऐप को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिटिंग के लिए कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके फोन में पहले से ही डाउनलोड है तो आपको एडिटिंग के लिए ओपन कर लेना है, नहीं तो आप आईफोन या एंड्रॉयड में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड कर लेना। एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वो वीडियो ऐड करनी है जिसकी आप अपनी रील बनाना चाहते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी एक वीडियो ऐड कर दी। इस वीडियो को आउटडोर म्यूजिक आ जाता है तो मैं इसको यहां से म्यूट कर लेता हूं। फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो का कुछ स्टार्टिंग का पार्ट को कट करना चाहता हूं, जैसे कि मैं अपनी वीडियो को यहां से रखना चाहता हूं, वैसे यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्प्लिट करके जो फालतू का पार्ट है इस पर क्लिक करके मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। अगर आपका भी फालतू पार्ट है तो आप डिलीट कर देना। उसके बाद दो फिंगर की मदद से इसको हमें जूम करना है और जूम करने के बाद हमें देखिए 0 सेकंड है, 0 सेकंड के बाद हमें जाना है 20f पर, 5f, 10f, 15f एंड 20f। 20f पर आने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है और इसको स्प्लिट कर देना है। उसके बाद हमें जाना गाइस यहाँ पर 1.10f पर, तो 1 सेकंड ये आ गया, 5f, 10f, 10f पर आने के बाद फिर से एक क्लिक कर देना है 1.10f पर। उसके बाद जो नेक्स्ट का पार्ट है स्पीड पर क्लिक करना है नॉर्मल पर, इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x, ठीक है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्प्लिट लगाना है 2 सेकंड पर, जो कि 2 सेकंड ये आ गया और इस पर क्लिक करके फिर से हम स्प्लिट लगा देंगे। देन उसके बाद हमें इसकी स्पीड जो है गाइस जो नॉर्मल थी वही कर देनी है, जैसे कि 1 सेकंड की, ठीक है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना गाइस 3 सेकंड पर, ठीक है। सो 3 सेकंड ये आ गया, 3 सेकंड पर आने के बाद फिर से गाइस वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी स्पीड है क्लिक करके और इसकी स्पीड फिर से हमें 0.3x कर देना है गाइस, ठीक है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब हमें स्प्लिट लगाना है 4 सेकंड पर, जैसे कि ये आ गया है, तो सिंपली गाइस इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्प्लिट कर देंगे। अब गाइस हमें क्या करना है, इसके अंदर एक कट डालना है। क्या कट डालना है, अभी देख रहे हमारी वीडियो कुछ इस टाइप की, बट हमें इसके अंदर कुछ अलग शॉट डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या शॉट, जैसे गाइस ये सिंपल वीडियो, अब देखिए गाइस ये एक शॉट बन रहा है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, अपनी इस वीडियो पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखिए इस वीडियो पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्प्लिट करके जो बीच का पार्ट है इसको मैं यहाँ पर, ये फालतू का पार्ट है तो इसको डिलीट कर दूंगा। यानी कि अब ये देखिए मेरी वीडियो ऐसा था ये वाला पार्ट, और ये देखिए थोड़ा इस टाइप मतलब स्टाइल में आ गया ये, तो मैंने इसको इतना करा। इतना करने के बाद इसकी स्पीड जो है ना कट करने के बाद हमें गाइस नॉर्मल कर देनी है, क्योंकि हमने पहले 0.3x कर ली थी, तो हमें इसको नॉर्मल कर देनी है। देन अब हमें क्या करना है, हमें जाना गाइस यहाँ पर सिंपली सबसे पहले 5 सेकंड पर, ये आ गया देखिए 5 सेकंड, ठीक है, ये देखिए 5 सेकंड आ गया। मैं इसको जूम करके और 5 सेकंड पर भी एक क्लिक करके स्प्लिट कर दूंगा, और जो नेक्स्ट का पार्ट है उसकी स्पीड पर क्लिक करके नॉर्मल पर और 0.3x, ठीक है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। बस अब हमें कोई भी स्प्लिट नहीं लगाना है, बस एक लास्ट में जाना है 6 सेकंड पर, ये देखिए 6 सेकंड ये आ गया, देखिए 6 सेकंड, और 6 सेकंड के बाद भी गाइस 5f पर, तो 5f ये आ गया और एक यहाँ पर स्प्लिट लगा देना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0.3x नॉर्मल करा दिया, क्या कराया है ये, तो ये गाइस हमने स्लो मोशन ऐड कराया वीडियो के अंदर, ठीक है। जब आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो सेम प्रोफेशनल रील हमारी एडिट हो जाएगी। सो अब बैक आना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करके एक हेलो ब्लर आपको मिल जाएगा, मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ। एडजस्ट पर क्लिक करके इंटेंसिटी को फुल और स्पीड को कर देना है आपको 20, ठीक है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब इस हेलो ब्लर को हम लगाने वाले हैं अपने 4 सेकंड वाले पार्ट तक, ये देखिए जो हमारा 4 सेकंड वाला पार्ट था उस पार्ट तक हमने लगा लिया है। अब उसके बाद स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट वाले माइनस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लगाना है वाइट फ्लैश, ठीक है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। सेकंड वाला माइनस को छोड़ना है, थर्ड वाले माइनस पर आना है, फिर से वाइट फ्लैश, देन थर्ड वाले पर लगा दिया, फोर्थ वाले पर भी वाइट फ्लैश, ठीक है। अब फोर्थ वाले पर लगा दिया, अब गाइस हमें इसके आगे नहीं लगाना, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाले पर लगाया, सेकंड को छोड़ा, थर्ड को लगाया, फोर्थ को लगाया, और ये जो फिफ्थ माइनस है इस फिफ्थ माइनस पर नहीं लगाना है, बट फिफ्थ वाले माइनस के बाद जो ये पार्ट है इस पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है और रोक वर्टिकली ऐड कर देना है, ठीक है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, लास्ट में ये दो माइनस है लास्ट के, इन दोनों माइनस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ना सुपर इम्पोज ऐड कर देना है, ठीक है, इस लास्ट वाले पर भी सुपर इम्पोज, ये देखिए
देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब गए समय क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब गए समय क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आना है एड ऑडियो पर एक्सट्रैक्टेड, और यहाँ से गए उस ऑडियो की हम पहले वॉल्यूम को यूज़ कर लेते हैं जो कि ये है, और हमने बाद में ना आपको प्ले करके दिखा दूंगा। जहाँ तक हमारी ऑडियो है अपनी वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट करके लास्ट के पार्ट को डिलीट, इस ऐप का एक छोटा सा वाटर मार्क आएगा इसको भी डिलीट। अब हमें क्या करना है, देखिए 4 सेकंड पर आना है, ठीक है। 4 सेकंड पर हम आ गए, दो फिंगर की वजह से पहले इसको जूम किया। 4 सेकंड पर आने के बाद 5F 10F 15F, जो ये 15F आएगा यहाँ पर आकर के रोकना है। इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और लाइट इफेक्ट्स पर जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटें मिल जाएंगी जो आपको यूज़ करनी हो आप वो यूज़ कर लेते हैं, बट हम यहाँ पर करेंगे लीक 1 यूज़। ओके, ये देखिए काफ़ी अच्छी है, और एडजस्ट पर क्लिक करके इस लीक को 90 कर लेंगे इसका एटमोसफेयर, ठीक है, जबकि हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, और इस लीक को हमें लगाना है बिल्कुल लास्ट अपनी वीडियो के पार्ट तक, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल लास्ट तक ही था। सो अब जो है हमारी प्रोफेशनल तरीके से रील यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग और बिल्कुल इजी मेथड से, जिससे कि आपको एक एक चीज़ ठीक से समझ में आ जाए, इस तरीके से रील की एडिटिंग करके बताता हूँ। सो अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आपने देखा सेम वही प्रोफेशनल तरीके से हमारे रील यहाँ पर एडिट हो चुकी है। मैं फिर से बोला, अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरी वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे। सो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है, विदाउट किसी प्रॉब्लम के गैलरी के अंदर वीडियो सेव हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।